पश्चिमी सभ्यता के पीछे भाग रहे बच्चों को भारतीय संस्कृति में ढालने की सकारात्मक पहल भारत विकास परिषद ने की है। मॉडर्न चिल्ड्रन स्कूल में लगाए गए बाल संस्कार शिविर में बच्चों को भारतीय संस्कृति से रूबरू कराया गया, साथ ही हिंदू धर्म के ग्रंथों को अंकुरित किया जा रहा है। सोमवार को 7 दिवसीय बाल संस्कार शिविर का आगाज किया गया। बच्चों को संस्कारवार बनाने की दिशा में पिछले कई सालों से यह कार्य मॉडर्न चिल्ड्रन स्कूल के प्राचार्य संतोष अरोरा भी खुद पूरे समय बैठकर बच्चों को संस्कारित करने में अपना पूरा योगदान दे रही हैं। बच्चों को भारतीय सभ्यता से जोड़ने के लिए बाल संस्कार शिविर में 23 बिंदुएं निर्धारित की गई हैं, जिनका उन्हें रोज अध्ययन और मनन कराया जा रहा है। प्राचार्य संतोष अरोरा के यह प्रयास है कि उनके स्कूल के साथ ही अन्य स्कूल के बच्चे यदि भारतीय संस्कृति को आत्मसात करने के लिए आगे आते हैं तो वे दिल खुलकर उनका स्वागत ही नहीं बल्कि उनका भारतीय संस्कृति के मूल्यों में सीधा साक्षात्कार करवाएंगे। बाल संस्कार शिविर में भारतीय जीवन दर्शन के अलावा बच्चों को वह तालीम भी दी जा रही है जिससे वे अपने घर और आसपास के रहने वाले लोगों को नशा छोड़ने की नसीहत देने में अपनी अहम भूमिका निभा सके। इतना ही नहीं, शिविर में बढ़ते फास्ट फूड के चलन और उससे होने वाले दुष्प्रभाव पर विराम लगाने की नैतिक शिक्षा और जानकारियां भी बच्चों को दी जा रही हैं। इसके साथ ही बालिकाओं को फायरलेस कुकिंग की टिप्स भी दिए जा रहे हैं। इस शिविर में बच्चों के भोजन की व्यवस्था भी पूरी तरह से निःशुल्क रखी गई है। शिविर में दिया हुआ भोजन एंजॉय, मतलब उसको हमें अच्छा लगा या नहीं लगा, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी रहेंगी। फिर उसके बाद हमें तो नहीं करो, तो आपने किसी को रोका या नहीं? ये बाल संस्कार शिविर भारत विकास परिषद शाखा गुना के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। हमारी संरक्षक श्रीमती संतोष अरोरा, अध्यक्ष श्री आनंद कृष्णानी जी, सचिव श्री नीरज अग्रवाल जी और कोषाध्यक्ष श्री मनीष भार्गव जी, साथ में उपाध्यक्ष श्री मधुकर वर्मा जी, इन तीनों के मार्गदर्शन में मैं संयोजक ऋषिकेश भार्गव के 7 दिवसीय संस्कार शिविर रखा है जिसमें भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, हिंदू ग्रंथ और सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चों में व्यावहारिक जो आचार और विचार डेवलप होना चाहिए उन सभी के को समक्ष रखते हुए ये 7 दिवसीय बाल संस्कार शिविर के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें भारत विकास परिषद भारतीय संस्कृति मूल में रखते हुए इनको 7 दिवसों का ये प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसमें योग, धर्म, मंत्र साधना, इसके अलावा खेल, क्ले आर्ट और एक सबसे बड़ी चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो फायरलेस कुकिंग। इसके बारे में ये शिविर जो है बाल संस्कार शिविर चल रहा है और हमारी एक संस्था है भारत विकास परिषद, इसके अंतर्गत इसको मैंने सोचा था कि मैं इन बच्चों को संस्कारित करूं। संस्कारित करने के लिए ये बच्चे मेरे पास होने चाहिए, इसलिए मैंने इनका ये शिविर जो है लगाने का विचार किया। और वैसे भी भारत विकास परिषद का एक प्रकल्प है, उसमें भी बाल संस्कार शिविर आता है, इसके अंतर्गत मैं बच्चों को क्या है और उनका मैं डेली का डेली जो है बच्चों से ये क्वेश्चन पूछती हूँ और उनसे रिपीट कराती हूँ। और केवल ये नहीं है कि एक दिन कह दी, एक दिन के कहने से कुछ नहीं होता, इन्हें हमको डेली बताना पड़ता है। उदाहरण के लिए हम लोग ज़्यादातर संस्थाएँ नशा मुक्ति शिविर का रैली निकाल लेती हैं और इसके अलावा और भी रोड के रूल्स होते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एक दिन के करने से कुछ भी नहीं होता। अगर हम अपने देश में चाहते हैं, हमारे देश के युवा, हमारे देश के जो माता पिता हैं वो नशा छोड़ें, क्योंकि बच्चों में नशे की आदत अपने आप कभी नहीं आती। बच्चों में नशे की आदत जो भी आदत होती है चाहे वो अच्छी हो या ख़राब हो माता पिता के द्वारा ही आती है। तो अतः मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम अपने स्कूल में केवल जितने बच्चे आ रहे हैं अगर हम ही उनको बता दें उन्हें किस प्रकार से अपने माता पिता को लाइन पे लाना है तो हमें बच्चों को ये शिक्षा देनी पड़ेगी। 9 तारीख तक इसमें इनको खाना पीना सब हम ही लोग देंगे, निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया गया इसमें। आगे भी इस तरह के शिविर जारी रहेंगे स्कूल में? बिल्कुल जारी रहेंगे। इसका अगर हमें इसका आउटपुट बहुत अच्छा मिलता है और हमें लगता है कि हम अपने स्कूल के अलावा कोई और बच्चों को भी ये शिक्षा दे सकें कि वो समाज को सुधार सकें, तो मैं तो इस प्रकार के शिविर बराबर करती रहूँगी। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है बच्चों को संस्कारित करने में। मैं मेरे स्वयं के स्कूल में सबसे फर्स्ट पॉइंट मेरा ये रहता है आते बराबर ही कि बच्चों से वो 23 पॉइंट हैं डेली उनको मैं रिवाइज कराती हूँ। रिवाइज किस प्रकार से, डेली उनको एक्सप्लेन करती हूँ और बच्चे टिक करते हैं ताकि वो बच्चे जो हैं
हर प्रकार की अच्छी आदत से युक्त हो जाएं,